नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट मिथिला वासियों के लिए खास तोहफा से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, जब से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है तब से मिथिला वासियों के लिए गर्व के पल है, जिसकी खुशी मिथिला वासियों में दिखती भी है। लेकिन इस खुशी को ग्रहण तब लग जाता है जब दरभंगा एयरपोर्ट से कई फ्लाइट कैंसिल होने लगती है। ऐसा तभी होता है जब ठंड का मौसम हो, यानी कि हम नवंबर और दिसंबर की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले साल भी देखा गया था कि मौसम खराब होने की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम नहीं होने की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर पिछली बार कई फ्लाइट कैंसिल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन खबरों की माने तो नागर विमानन मंत्रालय हरकत में आया है, जिसके मुताबिक एक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है जो कि अक्टूबर 2021 की है, जिसके तहत फ्लाइट कैंसिल जैसी समस्या दूर हो पाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यह कार्य संपन्न होती है। फिलहाल अभी दरभंगा एयरपोर्ट अच्छी गति से चल रही है, जिसकी वजह से मिथिलावासी खुद को सम्मानित महसूस करती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि दरभंगा और दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।